अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर का एजेंडा तीन आइटम्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनर्जी बैंड्स को डिस्कस किया जाएगा और फाइनली कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में जो रेफरेंसेस यूज हुई हैं उसमें मेजरली कंटेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बुक से ली गई हैं जिनके ऑथर थॉमस एल्फ्लाइड हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इंटरनेट रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल की। आइए बाकायदा तौर पर हम अपने इस लेक्चर का आगाज करते हैं। आई एम डॉक्टर शाहिद लतीफ एंड दिस इज माय YouTube चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, डू इट नाउ। थैंक यू वेरी मच। सो स्टार्टिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब है कि मैटर की कौन कौन सी क्लासेस हैं बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी। जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम मटेरियल जो हैं वो एटम्स के बने होते हैं। ये एटम्स किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, इंक्लूडिंग एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। यानी इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करना है। सो टू डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हम इस एटम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, वैलेंस शेल एंड अ कोर। वैलेंस शेल किसी भी एटम का सबसे आउटर मोस्ट शेल कहलाता है, जबकि कोर इस वैलेंस शेल के अलावा जितना भी कुछ उस एटम के अंदर मौजूद है, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस और उसके इनर शेल्स, वो कोर कहलाता है। इन दो चीजों को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल गिवन है फिगर 1.6 में। एक कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन एटम के पहले वाले शेल में, जिसको हम इनर शेल कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि उसके वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से उसके न्यूक्लियस पर +6 का पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बन एटम का जो कोर होगा उस पर नेट चार्ज +4 का होगा। यहाँ पर इस फिगर में, फिगर 1.6 में हम देख सकते हैं, ये कार्बन एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। सेंट्रल पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस है उस पर +6 का चार्ज है। तो ये न्यूक्लियस और ये इनर शेल, ये दोनों मिलकर कोर बनाते हैं और इस पर +4 का पॉजिटिव चार्ज है, जबकि एक आखिरी शेल जो है, जो कि आउटर मोस्ट शेल है, ये उसका वैलेंस शेल है, जिसमें हमारे पास इस वक्त 4 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं। सो व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर है क्या चीज? वो मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट नहीं कर पाता अंडर नॉर्मल कंडीशंस, इज कॉल्ड इंसुलेटर। यानी हर वो मटेरियल जो नॉर्मल कंडीशंस पर इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट नहीं कर पाता, वो इंसुलेटर कहलाता है। ज्यादातर जो इंसुलेटर्स हैं वो कंपाउंड्स होते हैं रादर देन सिंगल एलिमेंट। इंसुलेटर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम्स के साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि इस एटम का जो आखिरी वैलेंस शेल है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, वो तकरीबन फिल्ड है। इसी वजह से वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली जुड़े होते हैं और इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हम कह सकते हैं कि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के बराबर होते हैं या इतने कम होते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करवा सकते। इंसुलेटर की एग्जाम्पल्स में रबर शामिल है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मीका है और क्वार्ट्ज। व्हाट इज अ कंडक्टर? कंडक्टर हमारे पास वो मटेरियल हैं जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, कंडक्टर्स यानी कंडक्शन करने वाला मटेरियल। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये सारे मटेरियल्स आम तौर पर गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। बेस्ट जो कंडक्टर्स हैं वो हमारे पास सिंगल एलिमेंट मटेरियल्स हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और एल्युमिनियम।
इंसुलेटर के केस में हमने कहा था कि बेस्ट इंसुलेटर और नॉर्मली कंपाउंड्स, जबकि कंडक्टर्स के केस में हम कह रहे हैं कि बेस्ट कंडक्टर्स और नॉर्मली सिंगल एलिमेंट. कंडक्टर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एटम्स विद ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टर्स के एटम्स में आमतौर पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसके वैलेंस शेल में मौजूद होता है. ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ लूजली बॉन्ड होता है और बहुत मामूली एनर्जी पर, इवन कि रूम टेम्परेचर पर, ये अपने वैलेंस शेल को छोड़कर फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है. इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं उस पर नॉर्मल कंडीशंस में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त मौजूद होते हैं. यहाँ पर एक एग्जांपल आपको गिवन है. ये कॉपर एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 29 है. सो उसके न्यूक्लियस में 29 प्रोटॉन्स होते हैं, इस वजह से यहाँ पर प्लस 29 मार्क किया गया है. इस कॉपर के एटम में पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मिलकर बना रहे हैं 28 इलेक्ट्रॉन्स. आखिरी शेल में जिसमें कैपेसिटी तो 32 इलेक्ट्रॉन्स की है लेकिन अवेलेबिलिटी हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की है, सो हम कह सकते हैं कि वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है. सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करने की निस्बत से इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में आता है. हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर जब प्योर हालत में होगा, जिसको हम इंट्रिंसिक स्टेट कहते हैं, तो ये ना ही अच्छा कंडक्टर है ना ही अच्छा इंसुलेटर है. हम इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज इंसुलेटर की होंगी. या हम ये भी कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जिसको कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है. ये सेमीकंडक्टर्स सिंगल एलिमेंट में भी मौजूद है और कंपाउंड में भी मौजूद हैं. सिंगल एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम शामिल हैं. सेमीकंडक्टर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एटम्स विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यानी सेमीकंडक्टर्स के जो एटम्स होते हैं उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड कॉमन सेमीकंडक्टर्स हैं. इन सेमीकंडक्टर्स में भी नॉर्मली हमारे पास इनके एटम्स में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. याद रखें सिलिकॉन जो है वो इन तमाम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में से सबसे वाइडली इस्तेमाल होने वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल है. एक्सरसाइज के तौर पर यहाँ पर आपको कुछ एटम्स दिए गए हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स के लिए आप पीरियाडिक टेबल यूज कर सकते हैं. आपने क्या करना है, कॉपी और पेंसिल की मदद से इन तमाम एटम्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करना है. जब आप ये खुद से परफॉर्म कर लें तब आप इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा. अभी फिल वक्त थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए और इन एटम्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रा करने की प्रैक्टिस कर लीजिए. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज. इसमें आप देख सकते हो कि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 था, तो उसके पहले शेल में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 28, जबकि चौथे शेल के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था. कॉपर के अलावा सिल्वर, गोल्ड, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं. जो रिमेनिंग हमारे पास एटम्स हैं उनके लिए आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए और उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर इसी तर्ज पर ड्रॉ कीजिएगा. दी एनर्जी बैंड्स. हम आज के लेक्चर में हम दो किस्म के टर्म्स पढ़ेंगे, एक बैंड और एक बॉन्ड कहलाएगा. बैंड इज अ ग्रुप ऑफ समथिंग. हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास एटम्स में वैलेंस शेल होता है. वैलेंस शेल इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ ऑर्बिट्स. हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक इंडिविजुअल ऑर्बिट होता है जो उसका एनर्जी लेवल भी कहलाता है. क्योंकि शेल हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑर्बिट्स है तो हम इसको ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं. सो वैलेंस शेल एक्चुअल में हमारे पास वैलेंस बैंड है.
when an electron acquires enough additional energy from external resources, it leaves the valence band. Jab aapka electron external resources se enough additional energy hasil kar leta hai, to wo apne valence band ko chhod deta hai and become a free electron ban jata hai. Valence band ke ilawa baki jitna bhi us material mein area hai, wo uska conduction band kehlata hai. To jab tak aapka electron atoms ke saath juda hua hai, wo valence band mein maujood hoga. Aur jab wo valence band se niklega, to wo conduction band mein maujood hoga. Conduction band aur valence band ke beech mein jo energy difference hai, isko energy gap ya band gap kehlayega. Iska matlab ye hoga ki valence band se nikalne aur conduction band tak jane mein ya pahunchne mein jo energy required hoti hai, usko energy gap ya band gap kaha jata hai. Ek dafa jab electron conduction band mein hota hai, to phir wo us material ke andar free movement karta rehta hai aur wo kisi bhi atoms ke sath juda hua nahi hota. Figure 1.7 mein energy diagrams show kiye gaye hain, jisme se insulator, conductors aur semiconductors ke liye alag alag energy diagrams given hain. Yaad rakhein, insulators mein hum kehte hain ye jo energy gap hota hai, ये तब ही पॉसिबल है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को क्रॉस कर सके, जब हम उसको बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे. जैसा कि आपको इस फिगर से नजर आ रहा है, इंसुलेटर के केस में किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से निकालकर कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप है, बहुत हाई एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा. इसके मुकाबले में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, उनमें नॉर्मली बैंड गैप छोटा होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज उसको क्रॉस करने के लिए काफी होगा. जैसा कि हम यहाँ पर इन डायग्राम्स में देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप है, लेकिन ये एनर्जी गैप इंसुलेटर के मुकाबले में काफी कम है. फाइनली कंडक्टर्स के केस में नॉर्मली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है आपस में ओवरलैप हो चुके होते हैं, सो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो एनर्जी गैप. और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में फ्रीली मूव कर सकता है, हेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन कंडक्टर्स. जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप हो चुके हैं. Comparison of semiconductor atom to a conductor atoms. एक semiconductor atoms का conductor atoms के साथ comparison किया जा रहा है. Semiconductor material में हमने silicon को consider किया हुआ है, जिसका atomic number 14 है, तो उसमें 14 protons और 14 electrons होते हैं. उसके पहले shell में 2 electrons, जबकि इसके दूसरे shell में 8 electrons और finally इसके valence shell में 4 electrons होते हैं. On the other hand, conductor atom के तौर पर copper को consider किया गया है. Copper का atomic number 29 है, तो उसके पहले valence shell में 2 electron, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, जबकि चौथे में सिर्फ एक electron होता है. हम देख सकते हैं कि semiconductor material में 4 electrons हैं, तो इनका nucleus के साथ force of attraction ज्यादा है. ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड है, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जबकि कॉपर आइटम में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्ड है, हमें इस इलेक्ट्रॉन को फ्री बनाने में या इस एटम में से निकालने के लिए बहुत मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. इस स्लाइड में हम सिलिकॉन एटम्स और जर्मेनियम एटम, जो कि दोनों ही सेमीकंडक्टर्स हैं, उनका आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं. सिलिकॉन एटम का एटॉमिक नंबर 14 है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से है कि पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. जबकि इसके मुकाबले में जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, तो इसके पहले शेल में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, जबकि चौथे शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. सो चूंकि इनका वैलेंस शेल जो है वो हाफ फिल्ड है,
तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एटम्स हमारे पास सेमीकंडक्टर एटम्स हैं। जर्मेनियम का जो वैलेंस शेल है वो फोर्थ है और सिलिकॉन का वैलेंस शेल थर्ड है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री बनाने में हमें कम एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम के मुकाबले में वाइडली इस्तेमाल होता है एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसकी वजह ये है कि ये जर्मेनियम चूंकि अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कम वोल्टेज पर फ्री इलेक्ट्रॉन में तब्दील कर देता है, तो टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ इसके करेक्टरिस्टिक कर्व में वेरिएशंस की चांसेस ज़्यादा है। या हम कह सकते हैं कि जर्मेनियम एटम टेम्परेचर वेरी होने के साथ साथ अपने करेक्टरिस्टिक कर्व में तब्दीली ज़्यादा लाता है, जबकि सिलिकॉन एटम टेम्परेचर की वजह से इतना इफेक्ट नहीं होता, यानी इसके करेक्टरिस्टिक कर्व में इतनी तब्दीली नहीं होती जितनी जर्मेनियम की हो रही है। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर्स हाई टेम्परेचर्स पर सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये वाइडली इस्तेमाल हो रहा है। फाइनली कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ताल्लुक है, वैलेंट निकला हुआ है वैलेंस शेल से, और को का मतलब है शेयरिंग। इसका मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड से मुराद ऐसा बॉन्ड या ऐसा बॉन्डिंग मैकेनिज्म जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया जाता है। A bonding of two or more atoms by the interaction of their valence electrons. यानी दो या दो से ज्यादा एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक को हम कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। फिगर 1.10 में एक सिलिकॉन एटम अपने नेबर्स में से चार मुख्तलिफ सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ दिखाया गया है। इस फिगर में अगर हम देखें, हम देख सकते हैं कि एक सिलिकॉन एटम ऊपर नीचे और दाएं बाएं चार और सिलिकॉन एटम्स के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। सो यू कैन सी दैट कि इस सिलिकॉन एटम के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। इसी तरह से ये सिलिकॉन एटम भी अपने नेबर्स में से यानी ऊपर नीचे और दाएं बाएं चार डिफरेंट एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा। सो थ्रू आउट द सिलिकॉन मटेरियल, सिलिकॉन का हर एक एटम अपने नेबर्स में से चार चार एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। इस फिगर में भी हम देख सकते हैं कि एक सिलिकॉन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सिलिकॉन के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और इसी तरह से अपने राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और नीचे साइड पर ये चार मुख्तलिफ सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सिलिकॉन एटम शेयर्स एन इलेक्ट्रॉन विद इट्स फोर नेबर्स क्रिएटिंग 8 शेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ईच एटम एंड प्रोड्यूसिंग अ स्टेट ऑफ केमिकल स्टेबिलिटी। जब सिलिकॉन एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में पूरी कर लेता है तो वो केमिकली स्टेबल बन जाता है। शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस द कोवेलेंट बॉन्ड दैट होल्ड्स द एटम टुगेदर। फिगर 1.11 कोवेलेंट बॉन्डिंग इन एन इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल। एन इंट्रिंसिक क्रिस्टल हैज नो इंप्योरिटीज। फिगर 1.11 में हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन का क्रिस्टल शो किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि हर एक सिलिकॉन एटम अपने नेबर्स में से चार चार सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। याद रखिए, क्योंकि जर्मेनियम के वैलेंस शेल में भी चार इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो वो भी सिलिकॉन के तर्ज पर कोवेलेंट बॉन्डिंग परफॉर्म कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।